सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 29 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, प्रीवियस Q&A वीडियो में आप में से बहुत सारे लोग ने क्वेश्चंस पूछे थे और यार वो वीडियो में 300 से ज्यादा कमेंट हो गए थे, तो सारों का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस लगे मैं सारों का रिप्लाई करने वाला हूँ। साथ में इसमें से आपके भी यहाँ पर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर हो ही जाएगा जिन लोगों का कमेंट मैंने पिक नहीं कराऊ। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या पर्सनल रिलेटेड हो या दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में #AskTY लगा के पूछ सकते हो। और ये वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं सिर्फ 500। आई होप कि आप सब यहां पर कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और गाइस आपके क्वेश्चन का तो रिप्लाई मैं करने वाला हूँ, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे हर वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा आता है उसका मैं आप लोगों को रिप्लाई करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई Xiaomi का पोको F1 परचेस करा जाए या ऑनर का प्ले परचेस करा जाए, गेमर है, फोटोग्राफर है या जो भी है। तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा, अगर मैं आपकी जगह पर रहता है तो मैं खरीदता यहाँ पर पोको F1। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। हाँ, ऑनर प्ले में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऑनर प्ले में डेफिनेटली जो बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन वाइज और जो इन हैंड फील आता है ना, ऑनर प्ले में डेफिनेटली बढ़िया है। बाकी उसके अलावा परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी यहाँ पर पोको F1 में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो बैटरी लाइफ है वो भी साथ में बढ़िया देखने को मिलती है, IR इंफ्रारेड सेंसर भी बढ़िया देखने को मिलता है और कैमरा भी आपको रियर कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको पोको F1 में बढ़िया मिलता है ऑनर प्ले से। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली पोको फोन मैं यहाँ पर आपकी जगह पर तो रहता तो यहाँ पर ले लेता। बाकी और डिटेल में आपको देखना है ये दोनों फोन का कंपैरिजन तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर मैंने अच्छे से सारे पॉइंट्स बताया कि कौन से फोन में आपको क्या अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको देखना है तो चेकआउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं उत्काश गुप्ता, ये बोलते हैं भाई कोई GF है ना भाई, किसकी नहीं रहती है, आपकी नहीं है क्या, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर देसी क्रेजी, बोलते हैं भाई मेरा बजट है 10,000 से 12,000 के बीच में, मेरे को ये सुपर फोन चाहिए, परफॉर्मेंस तो किलर होनी चाहिए, प्लीज वो रिप्लाई। देखो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा Realme 2 दो दिन बाद लॉन्च होने वाला है, उसका वेट कर लो। डेफिनेटली Snapdragon 636 एटलीस्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंबड़ी ए बोलते हैं विल Realme 2 कम टू ऑफलाइन मार्केट, नोट इट विल बी एक्सक्लूसिव ऑन Flipkart, साथ में ये ऑनलाइन सेगमेंट का फोन है, ऑफलाइन में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर और शुड आई बाई Asus Zenfone Max Pro M1 6GB RAM variant which is available in nearby mobile shop। देखो अगर आपका 15,000 का बजट है, परफॉर्मेंस चाहिए, रैम वगैरह आपको ज़्यादा चाहिए, तब आप Asus का फ़ोन भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिपन दास बोलते हैं प्लीज़ Realme 2 का प्राइस कितना है, प्लीज़ बताओ, नेक्स्ट वीडियो में बोलना। देखो Realme 2 का जो बेस वेरिएंट है कंपनी ने खुद कंफर्म करा है 10,000 के नीचे रहने वाला है, तो आपको 9,000 या 10,000 में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रॉयल स्टार बोलते हैं व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, आई वांट टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट यूट्यूबर एंड ऑनेस्ट रिव्यूअर, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो और आप में से बहुत सारे लोग मेरे बोलने पे यार फोन परचेस करते हो, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा गोल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं टेक देसी, भाई मेरे OnePlus 3 है, मेरे को अपग्रेड करना चाहिए, बजट टाइट, बजट 30K। देखो 30K में अभी भी फिलहाल अभी के लिए तो मैं आपको बोलूंगा Asus Zenfone 5Z बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लगता है, बाकी थोड़ा वेट कर सकते हो, 5,000 बढ़ा सकते हो। तो जो OnePlus का जो अब नया मॉडल आने वाला है OnePlus 6T, उसका आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वंदन पटेल बोलते हैं भाई ऑनर प्ले का जो UI है एक दो साल यूज करने के बाद स्मूथ रहेगा या नहीं। देखो आपको इमोशन UI देखने को मिलता है, उसका भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड पाई का भी अपडेट देखने को मिलेगा, डेफिनेटली 2 साल तो आराम से आपका ऑनर प्ले में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शफा शेख बोलते हैं भाई 9K में अच्छा फोन बताइए, Realme 2 का वेट कर लो, बेस वेरियंट 9,000 या 10,000 में आपको मिल जाएगा और बहुत ही कमाल का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है देवा ब्रता सतपथी, आई होप कि आपका नाम मैंने सही से प्रोनाउंस कराऊँ, भाई Realme 1 में जो हिडन फीचर मिलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, नेटिव कॉलिंग, डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट एक्सेट्रा, ये सब मिलेगा Realme 2 में, और एक भाई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लाइट मिलेगा क्या। देखो जो आपको Realme 1 में जो फीचर मिलते हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे Realme 2 में भी, क्योंकि Realme 1 में आपको कलर वाइज मिलता है, Realme 2 में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, सारे फीचर देखने को मिलते हैं और नोटिफिकेशन लाइट भाई फोन आने के बाद पता चलेगा, अभी तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल माइंडेड बोलते हैं, आपके 1 से 1K कैसे सब्सक्राइबर बढ़े? यार बहुत मेहनत लगी मेरे को, अभी तक एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट 2 से 3 महीना, तो 3 महीना तो आराम से चले गया था 1 सब्सक्राइबर से लेके 1000 सब्सक्राइबर, या सबसे हार्ड पीरियड रहता है एक यूट्यूबर का, यहाँ पर 1 सब्सक्राइबर से लेके जो पहला 1000 सब्सक्राइबर, और जो फीलिंग आती है ना यार, कमाल की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं राहुल लोहा करे, ये बोलते हैं भाई मीट ऐसी आएगा या नहीं? देखो मीट ऐसी डेफिनेटली, मुझे तो लगता है शाओमी डेफिनेटली ये डिवाइस को लॉन्च करेगा, बट अभी अगस्त में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सितंबर में शायद आपको देखने को मिल जाए, होप सो यहाँ पर शाओमी लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नमन मल्होत्रा बोलते हैं, आई वॉन्ट बिग स्क्रीन फोन, आई लाइक टैबलेट एंड कैमरा इन माई लिस्ट प्रायोरिटीज, विच वन शुड आई बाई? मी मैक्स 3 वर्थ बाई एंड ऑफ 2018, माई बजट इज अंडर 20,000 व्हेन इट इज लॉन्च डेट। आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से मी मैक्स 3 विल बी अ परफेक्ट ऑप्शन, और ये आपको देखने को मिल जाएगा सितंबर या अक्टूबर में, कंफर्म आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट जो बेस वेरिएंट का रहने वाला 17 से 18 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मनीष नेगी बोलते हैं, ऑल वीडियोज आर वेरी गुड बडी, थैंक यू, कीप ग्रोइंग भाई, थैंक्स फॉर दैट। और यहाँ पर पूछते हैं ऑनर प्ले या कोई और फिन 20,000 में गुड प्रोसेसर के साथ? डेफिनेटली यार मेरे पास अगर 20,000-21,000 होता तो आज की डेट में मैं आंख बंद करके यहाँ पर पोको फोन यहाँ पर परचेस कर लेता, बाकी आपकी प्रायोरिटीज अलग हो चुकी रहेगी। बिल क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो ऑनर लेके जा सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात रहेगी कि आप पोको फोन आप 20-21 हज़ार में परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सोगाता मीडिया, ये बोलते हैं भाई ओवरऑल एक अच्छा फोन चाहिए, रेडमी 5A ले लूँ या इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 ले लूँ? लव यू भाई, भाई लव यू टू। देखो रेडमी 5A का भी रिव्यू कराओ, इन्फिनिक्स का भी मैंने अपने चैनल पर रिव्यू कराऊ, इन्फिनिक्स में हाँ अपन को देखने को तो फीचर थोड़े ज़्यादा मिलते हैं यार, पर बिलीव मी मेरे को जो रेडमी 5A में ओवरऑल जो मज़ा आता है, परफॉर्मेंस हो या कोई भी चीज़ हो या बैटरी लाइफ भी हो, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर रेडमी 5A के साथ में जाऊँगा और आपको भी वही रिकमेंड करूँगा, इन्फिनिक्स का फ़ोन यार मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं बबन विश्वास, ये बोलते हैं Asus Zenfone 5 इंडिया में कब लॉन्च होगा? देखो इंडिया में ये फोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं यहाँ पर ब्लू लिली, ये बोलते हैं Asus Zenfone 5Z और OnePlus 6 में से कैमरा किसका बढ़िया है? तो मैं आपको बता दूं OnePlus 6 में आपको स्लाइटली बेटर कैमरा देखने को मिल जाता है, और इनका एक और एक क्वेश्चन है क्या ओप्पो F9 और पोको F1 में से कौन सा वर्थ बाइंग है या वैल्यू फॉर मनी है? तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ओप्पो का फोन है वो आपको स्लाइटली ओवर प्राइस देखने को मिलता है, वहीं पोको F1 की बात करें वो आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मनुन सिखारी बोलते हैं भाई 25,000 का इनका बजट है, कैमरा और परफॉर्मेंस इनको बहुत ही बढ़िया चाहिए, मैं आपको बोल दूंगा आप आंख बंद करके यहाँ पर पोको F1 ले सकते हो, 25,000 में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, साथ में परफॉर्मेंस के मामले में और कैमरा भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहम्मद आसिफ कनकर पीर बोलते हैं रियलमी की सर्विस कहाँ मिलेगी? तो वही आपको ओप्पो के सर्विस सेंटर में ही आपको रियलमी की सर्विस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राव साहब यादव बोलते हैं भाई चार्जिंग में लगाते टाइम गेम खेलने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? देखो कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होने वाली है, सिर्फ कभी कभार आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा हीट हो जाता है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप चार्जिंग में लगा के गेम खेलो, हाँ कभी इमरजेंसी है तो खेल सकते हो, बाकी इतना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा और प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निलोमय सरकार बोलते हैं ग्लोबल वर्जन फ़ोन खरीदने के बाद इंडिया में वारंटी मिलेगी क्या? देखो कोई कोई ब्रांड यहाँ पर प्रोवाइड करता है जैसे कि इंटरनेशनल वारंटी रहती है, स्पेशली एप्पल की बात करो वहाँ पर आपको मिल जाती है, बट बहुत से ब्रांड में आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिकी के बोलते हैं ब्रो हेल्प मी आउट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन 2 फोन, इनका कहने का मतलब है ऑनर प्ले या हुआवे नोवा 3i में से कौन सा ले, इनको बहुत ही बढ़िया फ़ोन चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा भाई ऑनर प्ले आप परचेस कर लो, हुआवे का नोवा 3i दिखने में बहुत ही कमाल का है, बट ऑनर प्ले ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इमरान बोलते हैं 20K में बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है? लव यू वो भाई, लव यू टू। 20K में सबसे बेस्ट कैमरा फोन आपको मिलता है पोको F1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बलूम तन्ना बोलते हैं ब्रो यू आर ऑसम लव यू लॉट, रियलमी 2 कितना प्राइस होगा? लव यू टू भाई, रियलमी 2 का प्राइस आपको बेस वेरिएंट का 9 से 10 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हर्ष यादव बोलते हैं रियलमी 2 और ऑनर प्ले, तो भाई डेफिनेटली यार बजट इशू नहीं है तो ऑनर प्ले दोनों में से ऐसा डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो ऑनर प्ले विल बी अ बेटर ऑप्शन। और पूछते रियलमी 2 में फास्ट चार्जिंग मिलेगा क्या? सैडली आपको वो फोन में नहीं मिलेगा, बट बैटरी तो आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अहमद हाशमी बोलते हैं आने वाले समय में फ़ोन का दाम ज़्यादा होगा या कम होगा? तो मैं आपको बता दूँ आने वाले टाइम में भी फ़ोन का प्राइस 9,000, 10,000, 8,000, 6,000 सारे मिलेंगे, बट जो आपको प्रोसेसर है कैमराज है वो आपको बढ़ बढ़ के अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आने वाले फ्यूचर जो स्मार्टफोन का मुझे लगता है बहुत ही कमाल का होने वाला है।
लाइक होप कि मेरी तरफ से आपको यहाँ पर जो सारे आंसर दिया हुआ आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा और आपको ये क्यू एंड ए वीडियो में अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना। आई होप कि आप लाइक कर ही दिए होंगे, अगर नहीं करो तो अभी जाके कर देना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से पर्सनल रिलेटेड या दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में #AskTeeva लगा के पूछ सकते हो। आई होप कि मैं आप सारों का रिप्लाई कर दूंगा। और यार कुछ इंटरेस्टिंग पूछो तो क्वेश्चन का आंसर देने भी मजा आता है। देखो कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ सबसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।